सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रीनशॉट ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम स्क्रीनशॉट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज के पीछे जो कुछ भी स्क्रीन पे होता है ये उसी का स्क्रीनशॉट लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करूँ तो आप देख सकते हैं कि पीछे हमने गूगल पे ये आईफिल टावर सर्च किया हुआ है। अब जब हम स्क्रीनशॉट ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर पहुंचा देगा, ठीक है। अभी जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज हमने दोबारा से ओपन कर लिया है। तो स्क्रीनशॉट ऑप्शन के लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में, ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर आप देखिए ये रहा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, यहां देखिए स्क्रीन क्लिपिंग दिखा भी रहा है आपको, ठीक है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये डायरेक्ट हमें स्क्रीन के मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जस्ट पीछे पहुंचा देता है। आप यहां पर हमने कुछ सर्च किया है तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेगा, अगर मान लीजिए कि यहां पर कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट डेस्कटॉप पर पहुंचा देगा आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो ये देखिए प्लस का साइन है। अब जितना हिस्सा हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उतना हिस्सा हमने यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया। उसके बाद जैसे ही हम अपना कर्सर मतलब माउस छोड़ेंगे या कर्सर आप छोड़ेंगे तो इतना हिस्सा डायरेक्ट ले जाकर के ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे आपके सामने रख देगा। तो इस तरीके से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे। अब बाकी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं।